वैसे तो हमारे देश में बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं और हर कम्युनिटी की अपनी अपनी खासियतें हैं। किसी से आप बहादुरी सीख सकते हो, तो किसी से कल्चरल एनरिचमेंट, तो कोई मशहूर है अपने खान पान और हुनर के लिए। ऐसी एक फेमस कम्युनिटी है बनिया कम्युनिटी, जिसका नाम सुनते ही हमें याद आता है धंधा, प्रॉफिट और पैसा। जी हाँ, चाहे एरोप्लेन हो या धनिया, सब कुछ बेचता है बनिया। बनियों की बिजनेस स्किल्स पर अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो आइए पंचतंत्र की ये कहानी सुनिए। एक बार एक जमींदार का घोड़ा बीमार हो गया। जमींदार ने सोचा बनिए के पास बहुत पैसा है, जरा उसे चूना लगाया जाए। वो बनिए के पास गया और बोला, भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है, तुम मेरा घोड़ा खरीद लो और पैसे दे दो, मैं केवल 1000 रुपये में घोड़ा दे दूंगा। बनिया बोला, चौधरी साहब मेरे पास तो केवल 500 ही हैं, देना है तो बोलो। जमींदार को यह भाव सही नहीं लगा और वो वापस घर चला गया। घर जाते ही उसने देखा कि उसका घोड़ा तो मर चुका है। वो फौरन बनिया के पास गया और बोला, ठीक है मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। बनिया ने उसे 500 दिए और जमींदार वो पैसे लेकर कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर चला गया। कुछ महीनों के बाद जब वो गांव वापस आया तो उसने देखा कि बनिया की दुकान और बड़ी हो गई है। वो सोच रहा था बनिया उसे गालियां देगा, लेकिन बनिया ने कहा, भाई आओ कैसे हो, कुछ चाय पानी ले लो। जमींदार हैरान हो गया, उसने बनिया से पूछा, ये सब कैसे हुआ? बनिया ने कहा, आपका ही दिया हुआ है सब कुछ। जमींदार बोला, पर मैंने तो तुम्हें मरा हुआ घोड़ा बेचा था। बनिया बोला, मैंने उस मरे हुए घोड़े से 10,000 कमा लिए। जमींदार हैरान रह गया। बनिया ने कहा, मैंने एक लॉटरी का विज्ञापन दिया कि जो जीतेगा मैं उसे 1 रुपये में घोड़ा दूंगा। बहुत से लोग लॉटरी खरीदने आए और लॉटरी की टिकट बेचकर मैंने 10,000 कमाए। जमींदार ने पूछा, अरे तो विजेता को क्या दिया, घोड़ा तो मरा हुआ था। बनिया ने कहा, विजेता को मैंने उसके टिकट का दाम यानी कि 10 रुपये और 1 रुपये एक्स्ट्रा जो उसने घोड़ा खरीदने के लिए दिए थे वो वापस कर दिए और कहा कि घोड़ा इलाज के दौरान मर गया, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है वो वापस ले लो। वो भी खुश, मैं भी खुश, लगभग 600 रुपये लगाकर मैंने 10,000 कमा लिए। तो देखा आपने, चाहे मरा हुआ घोड़ा हो या मिट्टी, सच में बनिया कुछ भी बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन कैसे? आज के इस वीडियो में हम इसी सीक्रेट को रिवील करेंगे और जानेंगे कि वो कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जिन्हें फॉलो करके बनिए एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं। रेडी हो तो कमेंट कर दो आई एम रेडी, क्योंकि जिंदगी बदलने वाली है दोस्त। नंबर 1, बनिए मतलब अकाउंट्स के पक्के। वो बही खाते की लाल किताब याद है आपको, जो फिल्मों में मुनीम जी के हाथ में नजर आती थी, उसे चौपड़ी कहते हैं। ये चौपड़ी बनियों के लिए किसी गीता से कम नहीं। हर दिवाली वो इसकी पूजा करते हैं, अपने अकाउंटिंग के नए साल का शुभारंभ वो एक नई बुक के साथ करते हैं। क्यों? ये केवल उनका कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ये सिंबलाइज करता है इस फैक्ट को कि मनी मैनेजमेंट में अकाउंटिंग कितनी ज़रूरी है, चाहे बिजनेस हो या आम जिंदगी। अगर आपने पैसे का हिसाब नहीं रखा तो आप भी बाकियों की तरह यही कहते रह जाओगे कि यार पैसा कहाँ जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। और भाई, जिस चीज़ को आप मेजर नहीं कर पा रहे उसे मैनेज कैसे करोगे? इसके अपोजिट अगर आप किसी बनिए को देखोगे तो वो हिसाब का बिल्कुल पक्का होगा। इसलिए इनके ऊपर ये कहावत है कि दोस्ती पक्की, हिसाब अपना अपना। चाहे घर का खर्चा हो या बिजनेस में लगने वाला पैसा या अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी, सबका हिसाब बनिए बिल्कुल बारीकी से रखते हैं। और रखे भी क्यों ना, हिसाब के बिना छोटे से छोटा बिजनेस भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि मनी मैनेजमेंट सीखने से पहले आपको मनी मेजरमेंट सीखना होगा, ताकि आपको पता चले कि आपका पैसा आखिर कहाँ जा रहा है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप 10-10 रुपये का हिसाब रखो, क्योंकि ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन बड़े हिसाबों का रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, इट्स इन द जीन्स यार। बनिया शब्द संस्कृत का शब्द वाणिज्य से बना है, जिसका मतलब है कॉमर्स, यानी जिसके नाम में ही ट्रेड और कॉमर्स जैसे शब्द आते हैं, भला वो बिजनेस कैसे नहीं सीखेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि बिजनेस उनके जीन्स में ही होता है। हमारे घरों में जिस तरह पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स और रोज़ की बातें डिस्कस होती हैं, उसी तरह बनियों के घरों में धंधा, रोकड़ा, बचत जैसे टॉपिक्स पर बात होती है। वो डिस्कस करते हैं कि कौन सा बिजनेस चल रहा है, मार्केट में किसकी डिमांड है, कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ सस्ता मिलता है, किसने कैसे पैसा बचाया और ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, टैक्स कैसे बचाया जाए, यानी बचपन से ही फुल फाइनेंशियल नॉलेज। इसलिए बाय बर्थ ही उनके दिमाग में बिजनेस फिट होता है। चाहे अंबानी हो या अडानी या मित्तल या गोयल, इनकी पिछली जनरेशंस भी कहीं ना कहीं बिजनेस में ही इन्वॉल्व रही है। जहां हम मिडिल क्लास लोग स्कूल और कॉलेज की फॉर्मल एजुकेशन लेकर खुद को एक अच्छा एम्प्लॉय बनाने की तैयारी करते हैं, वहीं बनिए अपने बच्चों को बिजनेस और फाइनेंस सिखाकर नौकरी देने वाला बनाते हैं। अब यहाँ पर सीखने वाली एक बहुत बड़ी बात यह है कि हमें भी अपने घरों में ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहाँ हम बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन दें, ताकि उन्हें पैसों की इंपॉर्टेंस पता चल सके। लेकिन ज़्यादातर घरों में इसका उल्टा ही हो रहा है। माँ बाप बच्चों को इतना पैम्पर कर रहे हैं कि उन्हें बिना मेहनत के सब कुछ मिल रहा है। उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि पैसा क्या है, कहाँ से आता है, कैसे कमाया जाता है। उन्हें बस इतना पता है कि जो चीज़ें हमें पसंद है वो हमें मम्मी पापा दिला देंगे। इस तरह वो कभी पैसा बचाना नहीं सीख पाएंगे। आज आपसे जिद करके ले रहे हैं, कल EMI पर लेंगे। नंबर 3, एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढना।
कोरोना का वो टाइम जब हर कोई परेशान था, ऐसे में इंडिया के वॉरेन बफेट कहलाने वाले राकेश झुनझुनवाला ने विनय दुबे के साथ अकासा एयरलाइंस में 49% शेयर्स खरीद लिए। उस समय जब लोग शहर से बाहर जाना तो दूर घर से बाहर भी नहीं निकल रहे थे, ऐसे में एयरलाइंस बिजनेस में पैसा लगाना थोड़ा अजीब नहीं है? है तो, लेकिन यही तो है एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कला। कोरोना के कारण एविएशन इंडस्ट्री की कमर टूट चुकी थी, ऐसे में कई एयरलाइंस अपने एयरक्राफ्ट कम कीमतों में बेच रही थी। झुनझुनवाला ये जानते थे कि एक ना एक दिन लोग फिर से घरों से बाहर आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और तब एविएशन इंडस्ट्री में एक बार फिर से बूम आएगा। और हुआ भी ऐसा ही। कोरोना के समय अकासा ने कम दामों पर बहुत सारे एयरक्राफ्ट खरीदे और अपने इनिशियल कॉस्ट को कम कर लिया। जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, अगस्त 2022 में विनय और राकेश झुनझुनवाला ने मिलकर अकासा एयरलाइंस लॉन्च कर दी। अपनी पहली उड़ान भरने के एक साल के अंदर ही अकासा अपने कॉम्पिटिटर्स स्पाइसजेट और गो एयर को बीट करके $1 बिलियन की वैल्यूएशन वाली कंपनी बन गई। बनियों की ये क्वालिटी हमें सिखाती है कि एडवर्सिटी लाइफ का एक पार्ट है। आप चाहो तो मुश्किल समय में डर कर कंफर्ट को चुन सकते हो, या फिर आप लाइफ की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेकर एडवर्सिटी में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। नंबर 4, साथ रहो साथ कमाओ। अगर आपके आसपास कोई बनिया रहता है तो आपने नोटिस किया होगा कि बनिए साथ साथ रहते हैं, यानी उनके मामा चाचा मौसा सब या तो आसपास ही रहते होंगे या एटलीस्ट सेम सिटी तो पक्का, क्योंकि बनिया हमेशा कम्युनिटी लिविंग में विश्वास करते हैं। मेरे अपने शहर में पूरी की पूरी कॉलोनी बनियों की होती है, चाहे देश में काम करना हो या विदेश जाना हो, सब कुछ ये लोग साथ साथ करते हैं। मेरे गुजराती वाले वीडियो में आपने सुना होगा कि कैसे पापा पटेल ने खुद अमेरिका में बसकर अपने रिश्तेदार और दोस्तों को भी अमेरिका में बसाया और उन्हें भी होटल बिजनेस में लेकर आए। इसी तरह अगर आप अपने आसपास भी गौर करोगे तो देखोगे कि जब भी एक बनिया एक शहर से दूसरे शहर जाता है और वहां अपना बिजनेस जमाता है तो उसके साथ साथ धीरे धीरे उसके कई रिश्तेदार भी उसी तरह के बिजनेस को करने उस शहर में आ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बनिए ये मानते हैं कि खुद भी बनिए और दूसरों को भी बनाइए, यानी खुद को ग्रो करने के साथ साथ अपनी कम्युनिटी की भी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आपकी कम्युनिटी ही आपका नेटवर्क है और नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा आपका नेटवर्थ भी उतना बढ़ेगा। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, लाइफ के कई उतार चढ़ावों में आपके अपने आपका साथ देने के लिए आपके साथ खड़े होंगे। जहां एक तरफ लोग न्यूक्लियर फैमिली कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसे में बनिए ज्वाइंट फैमिलीज में रहना एक साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि साथ रहने में कम एफर्ट और ज्यादा प्रॉफिट मिलता है और अलग अलग होने पर काम ज्यादा हो जाता है और प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। चाहे आप किसी भी बनिया बिजनेसमैन को देख लो, जब भी वो ऊपर उठाए उसने अपनी कम्युनिटी को भी उठाने की कोशिश की है। जैसे यूं तो अनिल और मुकेश अंबानी में कितने भी डिस्प्यूट हों, लेकिन जब अनिल के जेल जाने की नौबत आ गई तो मुकेश ने लगभग 600 करोड़ रुपए की मदद करके अनिल अंबानी को जेल जाने से बचाया था। इस पॉइंट से नोट टू सेल्फ ये है कि हमें भी हमेशा कम्युनिटी को साथ लेकर चलना चाहिए, एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक दूसरे को ऊपर उठाने में हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि अगर आपको तेज चलना है तो आप अकेले चलो, लेकिन अगर आपको दूर तक जाना है तो साथ चलो। नंबर 5, मार्केट में टिकना है तो मार्केट को समझना जरूरी है। राधेश्याम अग्रवाल और राधेश्याम गोयनका स्कूल के पक्के दोस्त, दोनों बचपन से ही सिंगल फेस डबल चक्री दिमाग के थे, यानी टोटल बनिया बुद्धि। कभी होममेड ग्लू बनाकर बेचते, कभी साबुन बनाकर बेचते, इस तरह बचपन से ही उन्होंने प्रोडक्ट बनाना और बेचना सीख लिया था। जब वह बड़े हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें कुछ बड़ा करने के लिए कैपिटल चाहिए, ऐसे में गोयनका के डैड ने उन्हें 20,000 रुपए दे दिए और इस तरह जन्म हुआ इमामी कॉस्मेटिक्स का। राधेश्याम डीओ का मार्केट स्टडी से ये तो समझ में आ चुका था कि इंडियन मार्केट में फॉरेन कॉस्मेटिक्स की बहुत डिमांड है, लेकिन हाई प्राइस होने के कारण देश के ज्यादातर मिडिल क्लास लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे, यानी उन्हें अपनी टारगेट पॉपुलेशन मिल चुकी थी। मिडिल क्लास लोग जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट यूज करना चाहते थे, वो भी सस्ते दामों में। तभी उनका दिमाग चला कि सारा खेल तो विजुअल्स का है, लोकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड प्रोडक्ट में मेजर डिफरेंस था पैकेजिंग का। बस फिर क्या था, उन्होंने इंडियन प्रोडक्ट में कर दी फॉरेन जैसी पैकेजिंग और कमाल हो गया। चाहे फेयर एंड हैंडसम हो, डर्मिकूल या बरसों पुराना बोरोप्लस, इमामी के प्रोडक्ट्स ने हर जगह धूम मचा दी। वो घर घर पहुंचने वाला इंडिया का सबसे पहला कॉस्मेटिक ब्रांड बन गया। ये कैसे हुआ? ये पॉसिबल हुआ क्योंकि राधेश्याम अग्रवाल और राधेश्याम गोयनका ने मार्केट को समझा। और यही खासियत होती है बनियों की कि वो पहले मार्केट को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग धंधा चुनते हैं। उनका फोकस सस्टेनेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ट्रस्ट बिल्डिंग और लो कॉस्ट प्रोडक्शन पर रहता है। इसके साथ ही वो अपने कॉम्पिटिटर्स पे भी पूरी नजर रखते हैं और मार्केट पर आने वाले सभी चेंजेस के लिए खुद को तैयार रखते हैं। इससे आप ये सीख सकते हो कि बिजनेस करने से पहले मार्केट स्टडी और टारगेट कस्टमर को समझना बहुत जरूरी है। मार्केट में होने वाली हर छोटी बड़ी चीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बिजनेस पर असर डाल सकती है। इसलिए एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन वही है जो मार्केट को अपनी उंगलियों पर रखे। नंबर 6, पैसा बचाया इज इक्वल टू पैसा कमाया। अब भाई ये कहावत तो सबने सुनी होगी कि बनिया कंजूस होते हैं, लेकिन मैं असल बात बताऊं, वो कंजूस नहीं बल्कि पैसों को लेकर समझदार होते हैं। अब कंजूस में और पैसों को लेकर समझदार में क्या डिफरेंस है?
तो देखो मान लो कि आपका कूलर खराब हो गया, इलेक्ट्रिशियन ने बोला कि भाई मोटर जल गई। अब कंजूस क्या करेगा? इलेक्ट्रिशियन को बोलेगा कि मैं मोटर ले आऊंगा, तू बस फिट कर दे। वो होलसेल मार्केट में जाकर मोटर लेकर आएगा, 150-200 रुपए बचाने के चक्कर में पूरा दिन बिगाड़ेगा और खुश हो जाएगा। वहीं बनिया ऐसा नहीं करेंगे, वो कभी भी पैसों को टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। वो सोचेंगे कि मैं जाऊंगा सारा दिन वेस्ट करूंगा, पेट्रोल लगेगा, धंधे का टाइम वेस्ट होगा, भाई तू ही लगा दे मोटर, तेरा जितना बनेगा ले ले। कंजूस सब्जी वाले से, राशन वाले से, इन सब से नेगोशिएट करेगा। वहीं बनिए ऐसा नहीं करेंगे, वो बड़े नेगोशिएशंस में विश्वास रखते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, एक बार हम सभी दोस्त एक बड़े होटल में खाना खाने गए, लगभग 10-12 लोग थे। अब वो गया, उसने मैनेजर से बोला कि इतने लोग हैं क्या डिस्काउंट दोगे? मुझे बड़ा एम्बरेसिंग महसूस हुआ, लेकिन भाई ने 700 रुपये का डिस्काउंट दिलवाया, ऊपर से कॉम्प्लीमेंट्री डेजर्ट भी। वो हमेशा बोलता था कि भाई जहाँ पॉसिबल हो नेगोशिएट करो, लेकिन हम क्या करते हैं? सब्जी वाले से 2-5 रुपये के लिए नेगोशिएट करेंगे, पर बड़ी जगहों पर हमें शर्म आती है। इस तरह अपनी नेगोशिएटिंग पावर और पैसों को लेकर समझदारी से डिसीजन लेकर बनिए पैसे बचाते हैं। चाहे कैसी भी डील हो, वो लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस में सेटल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पैसा बचाना यानी पैसा कमाना। आप जितनी कम प्राइस पर प्रोडक्ट बनाओगे, आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना ही ज़्यादा होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बनिए पैसों को लेकर करते हैं, वो है यूज ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कंपाउंडिंग उतनी ही जरूरी है जितना कि आपके खाने में नमक। जिस तरह से खाना कितना भी डिलीशियस हो, पर नमक के बिना उसमें स्वाद नहीं आएगा, उसी तरह से आप लाख कोशिश कर लो, कंपाउंडिंग का यूज किए बिना आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। जिस कंपाउंडिंग को कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स लाखों के कोर्सेज के जरिए लोगों को समझाते हैं, उसी कंपाउंडिंग का इस्तेमाल बनिया कम्युनिटी सालों से करती आई है। अगर आप गौर करोगे तो बनिया कभी भी अपने लग्जरीज के लिए बिल्कुल लोन नहीं लेते। अगर वो लोन लेंगे तो किसी टैक्स बेनिफिट के लिए, यानी वो कंपाउंडिंग का यूज करते हैं, अब यूज नहीं। तो अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि पैसों को लेकर हमेशा समझदार होना चाहिए। जहाँ पैसे लगाने हैं वहाँ कंजूसी नहीं, जैसे हेल्थ में, अच्छे खाने पीने में, लेकिन जहाँ बचा सकते हो वहाँ बचाकर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। लाइफ का फंडा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग की जगह इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर रखोगे तो ज़िंदगी में कभी भी आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर 7, दूर का सोचो बड़ा सोचो। अगर आपकी 40 लाख की लॉटरी लगेगी तो आप क्या करोगे? 30 लाख में अपनी ड्रीम कार लेकर शायद 10 लाख कहीं इन्वेस्ट कर दोगे, या उससे भी अपना कोई अधूरा सपना पूरा कर लोगे, जैसे फॉरेन ट्रिप? भाई फ्री के पैसे हैं, क्यों ना शौक पूरे किए जाएं। वहीं बनिया क्या करेगा? सबसे पहले वह 20-25 लाख का सोना खरीद लेगा और लॉकर में रख देगा। कुछ 10-15 लाख धंधे में इन्वेस्ट करके धंधा बढ़ाएगा और बचे हुए 1-2 लाख से सोचेगा कि क्या सपना पूरा करना है। तो आपको इसमें बेसिक फर्क समझ आया? चलिए समझाता हूँ। हमारे अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन घुसा हुआ है, यानी हम चाहते हैं कि बस जो है अभी ही जी लो। जबकि बनिया दूर की सोचते हैं, वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन में बिलीव करते हैं, इसलिए उनके प्लान्स हमेशा लॉन्ग टर्म के होते हैं। उनका मानना है कि अगर आपको 1 लाख उड़ाने हैं तो पहले 10-15 लाख कमाने होंगे। ऐसा नहीं है कि बनिया लोग लाइफ नहीं जीते, जीते हैं, लेकिन वो पहले 1 करोड़ कमाते हैं तब 20 लाख की गाड़ी लेते हैं। अगर बात दूर की सोचने की हो और गौतम अडानी का नाम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? जिन्होंने अपना बिजनेस साड़ी बेचने से शुरू किया और केवल 35 सालों में अरबों का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया। डायमंड, प्लास्टिक जैसे कई बिजनेसेस में अपना हाथ आजमाने के बाद गौतम अडानी के हाथ फाइनली वो मौका लगा जिसने उनके करियर को सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। वो मौका था मुंद्रा पोर्ट, दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पोर्ट्स में से एक। 260 मिलियन टन की कैपेसिटी रखने वाला यह मरीन पोर्ट अपने आप में बहुत खास है, लेकिन इस पोर्ट के लिए जब अडानी ने जमीन खरीदी तो लोग उन पर हंस रहे थे। वो जमीन दरअसल हाई टाइड के समय पानी से भर जाती थी, वहां पोर्ट बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अडानी की दूर की सोच ने उसे सच कर दिखाया। चूंकि वो जमीन पानी से भरी थी, इसलिए अडानी को कौड़ियों के भाव में मिल गई। उसके बाद अडानी ने वहां रोड, रेलवे लाइन और एयरपोर्ट बनाया, और देखते ही देखते ये पोर्ट इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। इसी तरह लक्ष्मी मित्तल ने घाटे में चल रहे कई स्टील प्लांट्स को अपनी दूर की सोच के कारण ही लिया और सक्सेसफुल बने। तो यहाँ नोट टू सेल्फ ये है कि जो काम आज मुश्किल दिख रहा है उसे छोड़कर अगर आप आज के कम्फर्ट को देखोगे तो आप कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। इसलिए दूर की सोचो बड़ा सोचो। इन बातों को अफर्म करने के लिए कमेंट में यस आई विल लिख देना एंड नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अफर्मेशंस। मैं इस वीडियो को समराइज कर देता हूँ, आप इसे लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले आपको हिसाब का पक्का होना चाहिए, आपके घरों में फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड डिस्कशन होने चाहिए, कम्युनिटी लिविंग में विश्वास होना चाहिए, बिजनेस करने से पहले मार्केट स्टडी जरूरी है, पैसों को लेकर समझदार होना चाहिए, एडवर्सिटी में डिप्रेस होने के बजाय अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए और सोच हमेशा दूर की रखनी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, बिना लाइक के मत जाना। अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए ये बुक ऐप डाउनलोड कर लो, जहां पर आप दुनिया की सैकड़ों बेस्ट बुक्स की वर्ल्ड क्लास समरी सुन सकते हो हिंदी में, फ्री में, बिना किसी ऐड के। फाइनली यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।